ये वीडियो मेरी गंजे भाइयों के लिए है। मैंने कुछ टाइम पहले अस्सलाम वालेकुम, अच्छा ये मेरे वीडियो जो है वो गंजे भाइयों के लिए है। कुछ दिनों पहले मेरी नज़र से एक कुछ टिकटॉक की वीडियोस गुजरी जिसमें गंजे भाई वैशी अंदाज में ये अपनी खेती बाड़ी उगाने के चक्कर में ये मारी जा रहे हैं जहरीले अंदाज में अपने सर के अंदर। सर ये सोल्यूशन नहीं है आप लोगों का, कोई भी बंदा इसको फेस के ऊपर सर के ऊपर किधर भी ऊपर ना यूज़ करे, ये सही सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों का सोल्यूशन PRP है, ठीक है। सुइयां आपके सर पे मारेंगे और मैंने एक्चुअली उसके रिजल्ट्स देखे हैं कि जिन लोगों का गंजापन है वो भी फ़ायदे में आया। अगर आपका जेनेटिकली कोई इशू है सर तो उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, पर अगर वेदर कंडीशंस या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इस तरह का कोई भी इशू आता है तो वो सॉल्व किया जा सकता है। सो उसका तरीका हरगिज़ ये नहीं है, उसका तरीका PRP है जो आप लोग करवाते हो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, ठीक है। उसका डेफिनेटली रिजल्ट्स हैं, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज इट्स पेनफुल, हर बंदा इसको ऑप्ट करना पसंद नहीं करता। एक दफ़ा कराने के बाद लोग छोड़ देते हैं। इसको आपने एटलीस्ट 6 months कंटिन्यू करना होता है टू एक्चुअली सी द रिजल्ट्स, एंड आई हैव सीन इन पर्सन के लोगों के वाकई गैप्स थे वो कम हो गए, स्पॉट्स थे जो गंजेपन के वो सही हो गए। एलोपीशिया वाले भी इसको कंसिडर करें PRP को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके। दिस इज डेफिनेटली नॉट द सोल्यूशन, डोंट डू दिस, इट्स अ टाइम वेस्ट, इट्स अ मनी वेस्ट। सबसे अबव ऑल आपकी होप्स जो बिल्डअप हो जाती हैं जिसके लिए आप विगरसली करना शुरू कर देती हो कि रातों रात ही सर्दे होते बाल आ जाए, नहीं होगा वो। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट कर दूँ या अवेयरनेस क्रिएट कर दूँ, तो प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट वेस्ट योर मनी टाइम एनर्जी ऑन दीज थिंग्स। आप लोग जाओ, इस इशूज़ के लिए आपका PRP है, आप लोग अपना ब्लड टेस्ट भी करवा लो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि वाइटामिन D3 भी आपके हेयर लॉस को इनक्रेज करता है। सो वंस दैट इज सॉरेड, द ओनली सोल्यूशन यू हैव इज PRP, सो डायरेक्टली गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सी देम, एंड बिस्मिल्लाह करें अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।